हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाली एमबीटा XR25G टेबलेट्स के बारे में। एमबीटा XR25G टेबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन यूज करता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोजेंस कितना होना चाहिए। तो एमबीटा XR25G टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए या आप ही आपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं एमबीटा XR25G टेबलेट, जो कि हमारे पास 30 गोली का स्ट्रिप से, जिसकी MRP की बात करें तो उसकी MRP टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास स्ट्रिप से उसकी MRP 141। एमबीटा XR25G टेबलेट्स को इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। एमबीटा XR25G टेबलेट्स के अंदर कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से मेटोप्रोल सक्सीनेस 25 mg टेबलेट्स। एमबीटा XR25G टेबलेट्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल, ये टेबलेट्स बीटा ब्लॉकर नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एंजाइना, हार्ट संबंधित सीने में दर्द और अनियमित हार्ट रिदम्स, हार्ट की धड़कन में अनियमितता, एरिथमिया के इलाज के लिए ये टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये माइग्रेन में, फ्यूचर में दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद करता है। एमबीटा XR25G टेबलेट्स का डोज और डोजेंस की बात करें, इसका डोज और डोजेंस आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, वेट कितना है, कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज और डोजेंस कितना होना चाहिए। और इसका डोज और डोजेंस अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करिए। एमबीटा XR25G टेबलेट्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट में हो सकता है आपको हेडेक होना, चक्कर आना, मिचली आना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो एमबीटा XR25G टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करिए। एमबीटा XR25G टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स एमबीटा टेबलेट्स। एमबीटा XR25G टेबलेट्स एक लंबे समय तक असर करने वाला बीटा ब्लॉकर है, जो विशेष रूप से हार्ट पर काम करता है। यह हार्ट की गति को धीमा करके काम करता है और हार्ट को बॉडी में रक्त पंप करने के लिए अधिक कुशल बनाता है। एमबीटा XR25G टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल विजिट फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से एमबीटा XR25G टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो एमबीटा XR25G टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दिए वहाँ पर बताएं। एमबीटा XR25G टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्प लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।